ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। 700 शहादत से ऊपर हो चुकी हैं। हमें अपने किसान से मतलब है, हमें आटा चाहिए खाने के लिए, हमें रोटी चाहिए खाने के लिए। बहुत अत्याचार हुआ किसानों पे, सरकार एकदम डिसीजन ले रही है कि हम विंटर सेशन में इस बार रिपील कर देंगे लॉस को। मोदी सरकार ने काम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था, लेकिन वो अब किसान उन चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं ने जो बयानबाजी की, क्या आप उसे जायज मानते हैं? सरकार को ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था, तो इस वजह से जो इतनी कैजुअलिटीज हुई वो ना हो। यदि आपने आंदोलन लेना ही था तो ये 700 बंदों का एक मौत के बाद ही ये डिसीजन क्यों ली गया? इलेक्शन में हारेंगे इसलिए ये फैसला वापस ले लिया। तो इलेक्शन की वजह से सब किया गया है, ये देश की जीत है। जय जवान जय किसान। चिड़िया नाले बाद लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा। गुरु पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन। मैंने ये बात क्यों कही कि चिड़िया नाले बाल लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, आज ये सिद्ध भी हुआ। चिड़िया बाज से लड़ाई और बाज को हरा दिया। ये एक जो बात कही गई थी इसके पीछे एक आधार है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला वापस लिया 3 कृषि कानूनों को लेकर। तभी मैंने कहा कि चिड़िया बाज से लड़ाई ता गोविंद सिंह नाम धराया। लेकिन इस फैसले के पीछे मकसद क्या है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन उन 700 शहादत का क्या जो इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, उन किसानों का क्या जिन्हें खालिस्तानी बोला गया, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए जरा इसका आकलन करने की कोशिश करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के जहन में क्या है। मैं गुरुद्वारे के बाहर हूं और आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। आइए जरा कुछ ऐसे ही लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस आंदोलन को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला वापस लिया है 3 कृषि कानूनों को लेकर, आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या नजरिया है, क्या फैसला सही है? फैसला तो सही है, लेकिन ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। 700 शहादत से ऊपर हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जो मतलब बिना किसी कारण के शहीद हो गए, उसका मुआवजा कौन देगा? एक बार अगर प्रधानमंत्री इस बारे में बोल देते, भाई नहीं लिया था उन्होंने वापस, कोई बात नहीं, नहीं लिया, जब उनका मूड हुआ कर लिया। लेकिन अगर वो शहादतें हुई, अगर एक बार अफसोस कर देते, भाई ये जो है इतने जो है शहादतें हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, एक बार अफसोस कर देते, एक बार सिर्फ, और कुछ नहीं है। हम उनसे कुछ नहीं चाहते, जो कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमें उससे कोई नहीं है। हमें अपने किसान से मतलब है, हमें आटा चाहिए खाने के लिए, हमें रोटी चाहिए खाने के लिए। आपको लगता है कि ये फैसला जो है सीधे तौर पर पॉलिटिकली फैसला है, सरकार ने सोच समझ कर ये फैसला लिया, पॉलिटिकली फैसला? ये पॉलिटिकल फैसला है, ये वैसा फैसला नहीं है। अगर ये फैसला उन्होंने अपने आप लिया होता तो ये फैसला बहुत पहले ले लिया होता, क्योंकि अब 4 जगह से मार खा चुके हैं। जो अभी उनके हुए हैं उनमें क्या किया उनको, बीजेपी की एक सीट नहीं, वाई क्यों क्यों नहीं आई? भैया जब आप जनता को मारोगे तो जनता तो भाई किसान के साथ है, जय जवान जय किसान, किसान के साथ है, किसान के साथ, हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हम कहां जाएंगे? अगर रोटी एक चीज है, एक गोभी का पीस मंडी में 20 रुपए किलो, 200 रुपए किलो आपने लिया और एक मॉल में आ गया 600 रुपए किलो गोभी, आधा किलो फूल ऊपर से आप उस लगा रखे, उसमें एमएसपी लगा रखी है। हम एसपी मांग रहे हैं, हम एसपी नहीं दे रहे आप। बिल्कुल एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे, लेकिन क्या अब ये आंदोलन वापस होगा, ये भी अपने आप पे एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपको क्या लगता है, एक युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरकार ने फैसला वापस लिया, सोच नजरिया आपका क्या है? देर कर दी, बहुत देर कर दी हजूर आते आते, डिसीजन लेने में बहुत वैसे डिले हुआ है। ऐसे तो सरकार को बहुत अत्याचार हुआ है किसानों पे, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि पिछले साल से चालू हो रखा था, बहुत किसानों ने अपना बहुत जोर लगाया था। किसान एक मेहनत करता है, रोज के मजदूरी करके खा रहा है पी रहा है, पर कई कई किसान ही उनकी राजनीति की वजह से बहुत लोगों को वो अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब जाके लोगों ने, किसान ने एज अ पॉलिटिकल स्टंट देख के, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसका कुछ पॉलिटिकल चैलेंज देख के उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है। क्योंकि सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि
सडनली ऐसा कोई डिसीजन ले, तो उन्होंने अब आज ही हमने सुबह ही आज ही पढ़ा है कि हाँ सरकार एकदम डिसीजन ले रही है कि हम विंटर सेशन में इस बार रिपील कर देंगे लॉस को। बिल्कुल, ये क्योंकि ऐतिहासिक दिन है आज, और ऐसे में माना जा रहा था कि पंजाब में खास तौर पर इसका असर पड़ेगा, और माना ये जा रहा था कि जो कलंक सरकार के ऊपर ना लग जाए, इसलिए सरकार ने कहा कि ये आंदोलन वापस हो और हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। आपका क्या सोचना है, आपका क्या नजरिया, आपको क्या लगता है? सर देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ये जो सा कानून जो सा लगाया है, वैसे अच्छा बिल था ये, मोदी सरकार ने काम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था, लेकिन वो अब किसान उन चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई चीजें अच्छी भी थी, उनके फेवर में थी, लेकिन ये है कि चलो अब कानून वापस ले लिया है बिल, तो वैसे भी ये कहते हैं विचाराधीन था कोर्ट में, ऐसे कोई बात नहीं है, बिल जनता के फेवर के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा कहते हैं किसान भ्रमित थे, तो चलो वापस ले लिया, ठीक है, वो भी अच्छी बात है गुरुपुरब में उनके लिए। तो क्या आपको लगता है कि नहीं सर, फैसला जो सीधे तौर पर लिया गया है, एक तरफ 700 किसानों की शहादत की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ आरोप ये लगे कि ये खालिस्तानी फंडिंग हो रही है, ये किसान नहीं है, और आज सरकार ये फैसला वापस ले लेती है, और सरकार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ये फैसला इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि हम किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन जिन नेताओं ने जो बयानबाजी की, क्या आप उसे जायज मानते हैं? वो जायज नहीं है, जो इसके विरोध में बातें हो रही है वो जायज नहीं है, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। वैसे ये कहते हैं बिल सही था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन अब क्योंकि किसान इस चीज में उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है पीछे से, तो उस वजह से वो बिल वापस कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि सरकार ने क्या वाकई में सोच समझ कर पॉलिटिकल नजरिए से ये फैसला लिया, और जनता की सोच और खास तौर पर उस कम्युनिटी की सोच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस आंदोलन के साथ ये कम्युनिटी जुड़ी रही शुरू से, और खास तौर पर पंजाब के सिखों का हम जिक्र करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र करें, वो किसान जो बॉर्डर पर डटे रहे, दिन हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, सर्दी हुई, बरसात हुई, लेकिन किसान डटे रहे, तंबुओं में अड़े रहे, और सरकार को फैसला कदम वापस पीछे खींचने पड़े। हमारे साथ कुछ और युवा भी जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, सरकार ने जो फैसला वापस लिया है, क्या स्वागत करते हैं आप? हाँ जी, स्वागत करते हैं जी, सरकार को ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था, अगर सरकार को अभी ये चीज करनी थी वो पहले कर सकती थी, तो इस वजह से जो इतनी कैजुअलिटीज हुई वो ना होती। तो सुना आपने, आवाम ये कह रही है कि सरकार को अगर फैसला वापस लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया, क्यों देश के प्रधानमंत्री ने इतनी देर की कि 700 किसानों की शहादत हो गई, और आखिरकार क्यों बार बार उन्हें अपमानित किया गया, और आज सरकार कह रही है कि हम फैसला वापस लेते हैं। लेकिन हमारे साथ जो आवाम जुड़ी हुई है, उसकी सोच, उसका नजरिया क्या है, आपको क्या लगता है कि किसानों को आंदोलन क्या अब वापस ले लेना चाहिए क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया? हाँ जी, वापस लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा आप थोड़ा सा ये नीचे उतार लीजिए, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब ये लेट हो रहा है, वैसे काम ये जो है पहले हो जाना चाहिए था ये काम। किसानों को अब आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, या फिर MSP की मांग है, इसके साथ साथ वो तमाम मांगे हैं, बिल की बात है, मुकदमे तो दर्ज हुए किसानों के ऊपर, किसान कह रहे हैं वो मुकदमे कैसे वापस होंगे? मुकदमे तो वापस नहीं हो सकते हैं, पर उसके लिए कुछ भरपाई तो कुछ करनी पड़ेगी सरकार को, अब यही कहना चाहेंगे सरकार जो है किसानों के साथ मिलके, जो उनकी सहमति में सहमति से चले, तो यही मांग है सभी किसानों की। आपको लगता है कि साफ तौर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आपकी सोच, आपका नजरिया क्या है, क्या किसानों को अब आंदोलन वापस लेना चाहिए क्योंकि MSP की भी मांग थी, बिजली के बिल कम करने, दरें कम करने की भी मांग थी, और इसके साथ साथ वो मुकदमे जो दर्ज किए गए किसान आंदोलन के दौरान, उनको भी वापस लेने की मांग की जा रही है? वापस होने चाहिए उनके मुकदमे, और जो भी ये 700 बंदों को जो उनकी डेथ हुई है इसी केस के चक्कर में, उन्हें उसके जिम्मेवार जो है वो सरकार है। यदि आपने आंदोलन लेना ही था तो ये 700 बंदों का एक मौत के बाद ही ये डिसीजन क्यों ली गया? ये सारा खेल चुनाव का है, चुनाव के मुद्दे ही इन्होंने वापस लिए हैं, वो ये गवर्नमेंट अपना खेल खेलती है, पेट्रोल भी इसी तरीके से रेट बढ़ाए, और रेट पहले भी घटा सकती थी और इन्होंने अब घटाए हैं, इसका मतलब है कि सरकार लोगों का अपना फायदा देख के ही उसका डिसीजन लेती है कि कहाँ पे हमें सरकार को फायदा हो।
यानी आप ये कह रहे हैं कि सियासी नजरिए से ये फैसला लिया गया है, लेकिन खास तौर पर क्या आंदोलन अब वापस ले लेना चाहिए? युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि अब आंदोलन वापस हो जाना चाहिए या फिर अभी भी मांगों को लेकर जब तक पूरी नहीं होती तब तक आंदोलनकारी किसान डटे रहे? देखिए, मोदी जी का ये नेतृत्व है, मोदी जी की सरकार चल रही है, इस जगह हमारे उत्तराखंड में भी धामी जी की सरकार है, धामी जी की सरकार लगातार किसानों के लिए अपने हित में काम करिए, क्या वो यूपी सरकार हो, पंजाब सरकार हो, 5 विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने हैं, इस सब का अंतर्गत देखते हुए हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। आप देखिए, उत्तराखंड के लिए मोदी जी ने नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को भी नियुक्त किया है, हमारे मुख्य सचिव जी डॉक्टर सुबीर सिंह संधू वो भी हमारे IAS है, और सिखों को बढ़ावा के लिए ये कर रही है। अभी करतारपुर साहब कॉरिडोर आप देखा होगा आपने, करतारपुर साहब कॉरिडोर भी इन्होंने खोल दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। तंतन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पे ये खोला गया है, और बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है और मोदी जी के साथ है। लेकिन जो फैसला लिया गया, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि ये फैसला लेते लेते बहुत देर कर दी, अगर ये फैसला पहले ले लिया जाता तो 700 किसानों की शहादत ना होती। देखिए, वो किसानों की शहादत को हमें सच सच नमन है, किसानों की शहादत हुई है, वो सच सच हमें उनको नमन है, क्योंकि किसान सबका है, किसान हमारा नहीं है, क्या बीजेपी का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का नहीं है, हम किसान की शहादत को नमन करते हैं, देर है दुरुस्त है, यही हम कहना चाहेंगे। आप युवा हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया? जैसे हमने देखे कांग्रेस हो, विपक्ष में बैठी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आज भी वो इसे मुद्दा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने पॉलिटिकल नजरिए से फैसला वापस लिया, और बहुत ऐतिहासिक दिन है, आज गुरु पर्व का दिन है, और इसलिए सरकार, ताकि सिख कम्युनिटी नाराज ना हो, इसलिए ये फैसला लिया है। देखिए, अभी भी आप देखिए हर राज्य में चुनाव है, अभी भी सह प्रभारी हमारे RP सिंह नियुक्त हुए हैं, हर कोई नियुक्त हुआ है। अब देखिए, ये सारा चुनावी मतभेद समझिए, आप कुछ भी समझे, जो भी सरकार का फैसला है अब वो सरकारी का फैसला रहेगा, सरकार का फैसला है, सरकार का फैसला है, हर किसी की अपनी अलग सोच है, अपना अपना नजरिया, अपनी राय है, लेकिन जो 700 किसानों की शहादत हुई है उसको लेकर भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो बीजेपी नेताओं ने खास तौर पर जिस तरह के आरोप लगाए इस किसान आंदोलन के दौरान, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। आपकी क्या सोच, आपका क्या नजरिया? आज सरकार ने फैसला वापस ले लिया किसान आंदोलन को लेकर, कहा कि आप किसान अपने घर चले जाएं, आपको लगता है कि आंदोलन खत्म कर दें? देखो जी, ये तो देर से आए, काफी देर से, इन्हें पहले कर देना चाहिए था, लेकिन जब इन्होंने देखा अब हम इलेक्शन में हारेंगे तो उसकी वजह से इन्होंने ये जो कानून, इलेक्शन में हारेंगे इसलिए ये फैसला वापस ले लिया। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसमें कोई सरकार को डर था, बिल्कुल डर था इस बात का कि चुनाव हार जाएंगे, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये ऐसा करा कि अब कानून वापस ले लिए। अच्छा, इसलिए सरकार ने फैसला वापस ले लिया। आपको क्या लगता है, आज किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने फैसला वापस लिया, क्या ये सही फैसला है? सरकार ने जो कहा है कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेते हैं, या फिर बहुत देर कर दी, अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए किसानों को? मेरे ख्याल में तो ये ऐसा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब इलेक्शन सिर पे आ रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से सब किया गया है, और ये काम मोदी जी को अगर पहले कर देते तो उनकी बहुत ही ज्यादा साख होती, तो ये अब लोग इन्होंने करा है। क्या ये वाकई किसानों की जीत है? और युवा इस बात को काफी समझते हैं, और युवा काफी दिलचस्पी इस आंदोलन के दौरान ले रहे थे, युवाओं की भी अपनी सोच, अपना नजरिया इस आंदोलन को लेकर, जिस तरह से इस आंदोलन ने आक्रामक रुख अख्तियार किया, और 26 जनवरी का वो वाकया कोई नहीं भूल सकता जो लाल किले पर हुआ, ITO पर हुआ, PHQ पर हुआ, दिल्ली के भीतर ITO के पास जो कुछ हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जो कुछ हुआ रहा है, क्या ये किसानों की जीत कही जा सकती है? देखिए, जीत तो है, जीत इस तरह से है कि जो उन्हें चाहिए था उन्होंने अल्टीमेटली ले ही लिया, बट वायलेंस जो हुई है बीच में, चाहे वो सरकार की तरफ से हुई है, लखीमपुर में हुई है, कहीं भी हुई, सो वायलेंस इज नॉट द राइट इशू, लाइक वो सही किसी जगह कहीं सही उत्तर उससे नहीं निकलता, तो लखीमपुर का दाग धुल जाएगा। मैं एक यहाँ देखिए, ये गाड़ी का जिक्र मैं अपने सहयोगी बीच से कहूंगा, ये गाड़ी जो है ये शायद थार गाड़ी है, जी थार गाड़ी, ध्यान से दीजिए बीच साहब, एक बार दिखाइए, थार गाड़ी जो है इसका एक अपना इतिहास है किसान आंदोलन में, और ये थार गाड़ी जो है जब लखीमपुर कांड हुआ था, और लखीमपुर कांड के दौरान गाड़ी ने जिस तरह से किसानों को कुचला था, उसके बाद से ये गाड़ी जो है वो सुर्खियों में आई, और खास तौर पर क्या लखीमपुर कांड का दाग धुल जाएगा सरकार के ऊपर अगर सरकार ने ये फैसला वापस लिया, और सरकार के नजरिए से इस फैसले को वापस लेने के सियासी मायने क्या है? हर किसी की अपनी सोच है, हर कोई ये कह रहा है कि सरकार ने फैसला वापस लिया लेकिन बहुत देर कर दी, जो नजरिया जो सोच है
हर किसी की अपनी अलग है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब मैं एक आपसे जानना चाहूंगा, किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने फैसला वापस लिया, आपको लगता है कि बहुत देर कर दी किसान आंदोलन को लेकर, अगर फैसला पहले वापस ले लेती? देर कर दी है, ये फैसला वापस पहले ले लेना चाहिए, ये फैसला पहले लेना चाहिए था। उन्होंने देखा है कि गुरु पर्व है, गुरु पर्व के उस पे उन्होंने ये फैसला लेकर बहुत ही लेट किया है। यहाँ दरअसल विषय इस बात को लेकर भी खड़ा हो जाता है कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई और सरकार ने अब जो फैसला वापस लिया, क्या ये फैसला रणनीति और राजनीति के लिहाज से भी लिया गया? हर किसी की अपनी एक सोच है, अपनी एक राय है, लेकिन वीर जी हम आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन को लेकर आपने भी सुना होगा, आप अपनी राय देंगे? तीनों कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने, बहुत बढ़िया हुआ, फिर तो खुश है हमको। आपको लगता है कि बहुत देर कर दी? हाँ काफी देर करा, सोचने के लिए तो काफी देर करी इन्होंने, पर जो भी डिसीजन लिया सही लिया इन्होंने। लेकिन जो लखीमपुर कांड हुआ और जिस तरह की घटनाएं, किसानों की शहादत हुई, आपको लगता है कि ये फैसला अगर वापस ले लिया जाता पहले से, और खास तौर पर बीजेपी नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की, वो कहीं ना कहीं गलत संदेश गया? हाँ काफी बार इन्होंने डिसीजन जो है गलत लेने से काफी फर्क पड़ा है इनको, और लेकिन अभी भी है कि इन्होंने सही किया बहुत, तो काफी इनको अच्छा भी होगा, आगे बेनिफिट भी होगा आगे जाके। बिल्कुल, यहाँ आंटी जी आपने सुना है कभी किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन जो किसान धरने पर बैठे हुए थे उनके बारे में सुना है आपने कभी? हाँ जी सुना है। पीड़ा होती थी आपको उनको धरने पर देखकर? क्यों नहीं होती है, जिन्होंने बरसात में सर्दी में और कईयों ने अपनी जान भी गवाई, उन सब के बारे में दुख तो होता है, लेकिन अब जो उन्होंने जो निर्णय लिया वो अच्छा लिया है। आपको मन में कचोड़ता था कि ये किसान हमारे लिए धरने पर बैठे है, पीड़ा होती थी आपको? बिल्कुल होती थी, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं जो है वो हमारे लिए इतनी सेवा करते हैं, वो सुबह उठते हैं, हम लोग तो इतना नहीं उठते लेकिन वो सुबह उठते हैं, अपने खेतों में जाकर अपनी करते हैं, सारा श्रम करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी पीड़ा तो होती थी कि वो जो हमारे लिए इतना करते हैं सेवा। मैसेज देना चाहेंगी सरकार को कि कम से कम ऐसे मसलों पर जो है वो सरकार इतना डिले ना करे, इस तरह के मसलों को लेने चाहिए, मतलब सारी जनता का, सारे देश का ये था और बाहर से दूसरे भी देशों से भी लोगों का यही था कि भी जल्दी निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत देर लगाई, पर जो लिया सही। अपने किसान भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? अब उनके लिए जिन्होंने जान गवाई है या जो भी हुआ वो तो नहीं आ सकते वापस, लेकिन हाँ ये कि आगे से उनके लिए अच्छा ही हो गया जो भी हुआ। बिल्कुल, यहाँ खास तौर पर महिलाओं का भी ये कहना है क्योंकि ये आंदोलन घर घर जगह बना चुका था और इस आंदोलन को लेकर हर किसी की अपनी एक राय थी, और यहाँ सीधे तौर पर जो महिलाएं हैं वो भी ये कह रही हैं कि सरकार को फैसला जल्द वापस ले लेना चाहिए था, इसको लेकर बहुत देर हुई। लेकिन जो सीधे तौर पर अगर इसके सियासी मायनों को हम समझे तो उसके भी कई सियासी मायने हैं, चुनाव पंजाब में भी है, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है और चुनाव उत्तराखंड में भी है, ये तीनों ऐसे गढ़ हैं। खास तौर पर मैं अगर जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो तमाम ऐसे किसान हैं जो सीधे तौर पर इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय लोकदल जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर वोटों की फसल काटना चाह रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात मैं उत्तराखंड की करूं तो उत्तराखंड में भी जो उधम सिंह नगर का इलाका है, जो हरिद्वार का इलाका है, वहां पर किसानों का अच्छा खासा प्रभाव था, और ऐसे में आज सरकार का ये फैसला किस नजरिए से इसके मायने निकाले जाए, मैं वीर जी आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं, आज सरकार ने फैसला वापस लिया देर कर दी? देर कर दी, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन देर कर दी। किसानों को पूछो जो गरीब बेचारे बैठे थे जहाँ पे साल भर हो गए बैठे बैठे, उनके बच्चे भी हैं घर में, देखो अगर किसान ना हो तो बच्चों को खाना पहुँचना मुश्किल हो जाए। तो क्या सरकार ने पॉलिटिकली नजरिए से ये फैसला लिया? मुझे ऐसे लगता है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, जब आप किसानों को आंदोलन पर बैठा हुआ देखते हैं तो मन में क्या पीड़ा होती है? मन में बहुत दुख होता है कि क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए परेशान है कि क्या करें, किसान हमारा अन्नदाता है, हमें उनका साथ देना चाहिए था, यह आज सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, अब किस वजह से लिया ये हम नहीं कर। अच्छा, ये कहा जा रहा है किसानों की जीत है लेकिन आंदोलन के कई चेहरे रहे, आपको क्या लगता है किसकी जीत है? देश की जीत है, किसानों की जीत है, मोदी सरकार की जीत है, ये किसकी जीत है? ये देश की जीत है बस, किसानों की भी नहीं, किसान अगर अन्य उगाएंगे तो देश कैसे चलेगा, बाकी ना मोदी जी की ना ये देश की जीत है बस।
ये देश की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, आप ये कह रहे हैं। जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो आप ये सुन रहे होंगे कि लोग इस बात को लेकर उत्साहित भी हैं। उनका कहना यह है कि फैसला तो आप ले रहे हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे के जो मायने हैं वो असल में क्या है, और किसान आंदोलन को लेकर लिया गया ये फैसला क्या वाकई में एक राजनीति नजरिए से लिया गया फैसला है, और वो 700 शहादत का क्या जो सीधे तौर पर इस आंदोलन के दौरान हुई, और खास तौर पर जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं कि क्या बीजेपी नेता भी इस बात को लेकर माफी मांगेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसका जिक्र लगातार आंदोलन के दौरान हुआ। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने आज ये फैसला वापस लिया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे? चलो जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी को देर है, दुरुस्त है, ठीक है जी। और जो है कृषि जो है SKM को भी ये करना चाहिए कि अब जो जैसे ही वो यही उनका बोलना यही है कि जैसे हम घर वापसी तब करेंगे जब क्या कहते हैं तीनों कृषि कानून जो है संसद में से खत्म हो जाएंगे। अभी सिर्फ बोलने से किसी के माना नहीं जा सकता, ठीक है प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बात है, मगर जब वो इतने एक साल बैठे हैं तो 20 दिन और सही। बिल्कुल, ये आपको लगता है कि जब तक सरकार फैसला वापस ना ले तब तक किसानों को आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए? अभी सरकार दबाव में, एक तरीके से खत्म हो ही चुका है, बट ये है कि हाँ थोड़े थोड़े करके वो जाना शुरू कर देंगे, मगर जैसे ही क्या कहते हैं संसद में ये चीज पास हो जाएगी जो है मतलब क्लियर कर दिया जाएगा कि हाँ जी ये तीनों के तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, सबके सब अपने अपने घर वापस हो जाएंगे। लेकिन और जो ये एक MSP वाला है वो भी जरूर जोड़ना चाहिए, MSP के साथ साथ वो तीनों कृषि कानूनों का जिक्र इतर है, लेकिन MSP का जिक्र अलग है, बिजली के दरों को लेकर मसला अलग है, और जो मुकदमे दर्ज हुए आंदोलन के दौरान क्या उन्हें भी वापस ले लेना चाहिए सरकार? और जब इतना बड़ा फैसला ले लिया तो ये भी चीज कर लेनी चाहिए, बहुत इजी सा है, सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल लगता है आपको? पॉलिटिकल तो है, अगर UP में इलेक्शन पता है हार जाएंगे, सिंपल सी बात है। आप एक युवा है, जब आप किसानों को आंदोलन पर बैठा हुआ देखते थे मन में क्या पीड़ा होती थी? मैं खुद वहाँ पे गया हूँ सर, मैं खुद किसान हूँ, किसान का ही बेटा हूँ, तो इसलिए मेरे को तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी इस चीज से। मगर ये बोला जाता था कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, फंडिंग कनाडा से हो रही है, तो क्या उन लोगों को आज माफी नहीं मांगनी चाहिए जो ये आरोप लगाते थे, जो सीधे तौर पर कहते थे कि ये सारे के सारे खालिस्तानी है? तो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी होती है, तो भी तो फंडिंग है। अगर हम फंडिंग की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो फंडिंग करते हैं, सरकारें चलती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, सरकार किसी की नहीं होती, सरकार से इंडस्ट्रियलिस्ट की होती है। ये जो देश है सर कॉर्पोरेट चलाते हैं और कोई नहीं चलाता जी, यहाँ देश कॉर्पोरेट चलाते हैं। आंटी आपने सुना किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने फैसला लिया, तीनों कृषि कानून वापस हो गए। हाँ जी सर, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा सर, आज हमें ऐसे लगा कि गुरु नानक बर्थडे पे हमें बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। गुरु नानक बर्थडे पे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, आपने बहुत बड़ी बात कही। तो क्या सरकार को भी इस दिन का इंतजार था कि आज गुरु पर्व है, सिख नाराज है, पंजाबी कम्युनिटी नाराज है, किसान नाराज है? उन्होंने इसीलिए ये कानून वापस लिया आज की उनकी इसमें बहुत बड़ी जीत भी थी, कि उन्हें पता था कि आगे जो फिर सिख बहुत बड़ी संख्या में है जो आगे उनको वोटिंग भी करेगी। फिर अब किसान मान गए, अब आप खुश हैं, किसान आंदोलन से खड़े हो जाए आपके? जब तक लोकसभा में इसका वो पारित नहीं होता तब तक हम खुश नहीं है। सुना आपने, लोगों की राय है, लोगों का नजरिया है, लोगों की सोच है, और सीधे तौर पर ये आवाम जो है खास तौर पर किसान आंदोलन को लेकर जो लोगों के दिलों में इस आंदोलन ने जगह बनाई वो काफी महत्वपूर्ण रहा। और खास तौर पर इस परिपेक्ष में अगर हम उस आंदोलन का जिक्र करते हैं तो एक वाक्या 1980 का अटल बिहारी वाजपेयी का भी याद आता है कि किसानों से मत टकराओ सरकार, अगर वाकई अगर किसानों के साथ गलत हुआ तो फिर हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। लो अटल जी का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, तो एक वाक्या और अटल जी का याद आता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो वहीं से शुरू का जहां से मैंने, आज वहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। चिड़िया नाले बाल लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, क्या वाकई में चिड़िया और बाज की लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिली? और क्या वाकई में जो बात कही गई थी कि चिड़िया नाले बाल लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, ये बात सिद्ध हुई? तो ये पब्लिक और आवाम है जिसका नजरिया, जिसकी सोच, जिसकी राय हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला, इसके सियासी मायने कई है, इसका आकलन आप भी करिए। आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है, आपकी नजरिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर हमें भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कार्यक्रमों में आपकी राय को भी हम शामिल करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
लेकिन ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। 700 शहादत से ऊपर हो चुकी है, हमें अपने किसान से मतलब है, हमें आटा चाहिए खाने के लिए, हमें रोटी चाहिए खाने के लिए। बहुत अत्याचार हुआ किसानों पे, सरकार एकदम डिसीजन ले रही है कि हम विंटर सेशन में इस बार रिपील कर देंगे लॉस को। मोदी सरकार ने काम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था, लेकिन वो अब किसान उन चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं ने जो बयानबाजी की, क्या आप उसे जायज मानते हैं? सरकार को ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था, तो इस वजह से जो इतनी कैजुअलिटीज हुई वो ना हो। यदि आपने आंदोलन लेना ही था तो ये 700 बंदों का एक मौत के बाद ही ये डिसीजन क्यों ली गया? इलेक्शन में हारेंगे इसलिए ये फैसला वापस ले लिया। तो इलेक्शन की वजह से सब किया गया है? ये देश की जीत है, जय जवान जय किसान।